हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम मीना है और सुबह के बज गए 9। सभी चले गए हैं और मैं कर रही हूँ काम। अभी मेरे बर्तन बाकी है, आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जानी है। 3-4 सूट जो लाइनिंग नहीं ना डाई की थी कल, दरवाज़ा खुला था उसका तो लाइनिंग नहीं डाई की थी, वो वाले जाएंगे। एक तो ना ठंड हो गई है, नंगे पैर अंदर है तो हम नंगे पैर चलते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें चप्पल पहन कर आना, इसलिए हम सभी नंगे पैर आते हैं। अभी देखते हैं जुराबे लेंगे, सर्दियों वाली लेंगे। हमें बर्तन कर रही थी तो मैंने देखा कि गाय को मैं अभी घास डालती हूँ, गाय खड़ी है तो इसको घास डालेंगे अभी, फिर बाद में अंदर बर्तन साफ करने हैं और काम करना है। एक मिनट। कुछ भी नहीं है आजकल, घास नहीं होता है, सुक्की तूड़ी ही खाती है, इसलिए सुक्की तूड़ी करे हूँ मैं। करने बर्तन साफ और फिर बाद में 2-3 4 सूट है तो आज जाने हैं। देखती हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। अब तो लाइनिंगें भी नहीं लेकर आई है, लाइनिंगें आएंगी फिर इसे सिलेंगे। जो लाइनिंग वाले थे वो सिलते, इसका ना दरवाजे का ये वाला ख़राब हो गया है, ऐसे ही खुलता रहता है। मैंने कहा भी था इनसे, तो मैं सुबह सुबह कथा भी सुनती हूँ, कथा लगाई हुई है। अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो बर्तन साफ करके फिर आपसे करती, क्योंकि मेरे बर्तन है अभी रसोई की सारी सफाई करनी है, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बर्तन 2 मिनट साफ कर लूँ। ये देखिए लेस लगाकर वी गला और बीच में स्ट्रिप्स लगाकर ये वाले ना, ये ऐसे डिजाइन बनाया है मैंने। इसके साइडों में भी लेस लगाई, कस्टमर ने कहा था कि लेस लगाकर बनाना है। एक मिनट। ये देखिए साइड में भी ऐसे लेस लगाई है, नीचे भी साइड में और बाजू। पाकिस्तानी आजकल तो इसका बहुत ट्रेंड है, पाकिस्तानी बाजू, इसमें भी लेस लगाई और गला। ये देखिए गला अब अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे गला भी और बीच में ये डिजाइन डाला है। मेरे को ना याद आ गया कि प्लाजो में भी यहाँ पर लेस लगानी है, अभी मैं लगाती हूँ। कल याद नहीं रहा था, अभी मैं लेस लगाऊंगी इसकी भी। ये देखिए ये लाइनिंग है, डाई होकर आ गई है, 3 है। कल मैंने दी थी एक, 2-3 जे वाली है डिशीन की और ये टापटा की है, दोनों। आजकल वैसे टापटा की ज़्यादा बेटर रहते हैं, डिशीन में भी ना नज़र आता है, जैसे ये है ना पतला सा नज़र आता है इसे, जो टापटा की होती है इसमें नहीं नज़र आता इतना ज़्यादा करके। वैसे ये लेनी चाहिए क्योंकि रेट दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी, डाई भी सेम होती है, पर ये वाली थोड़ी मोटी होती है, ये वाली जैसे पतले कपड़े पर फिर से पतली हो जाती है, फिर ना अंदर का नज़र आता है, इसलिए ज़्यादा करके ये वाली लाइनिंग लेनी चाहिए। अगर डाई भी करानी हो ना आपने तो टापटा की लाइनिंग लेकर हमेशा डाई कराएं, ये वाली थोड़ी सी पतली हो जाती है। जैसे वो वाला सूट है ना, ये वाला इसके नीचे ये वाली लगेगी, उन्होंने पहले ही लेकर दी थी, मैंने तो वैसे टापटा की लेकर लगानी थी, ये वाले ये इसके नीचे लगेगी, फिर ये थोड़ी पतली हो जाएगी, थोड़ा जब पहनते हैं तब नज़र आता है, और ये वाली के नीचे अगर लगी हो तो नज़र नहीं आता। अभी लाइनिंग ये आ गई है और मैं सूट कटिंग कर रही हूँ, जो आज जाना है ना, पहले वो वाला कटिंग करूँगी, तो अंधेरा हो जाता है। सूट रखा है मेरे को तो आप खुद को नहीं पता रखा कहाँ है, सूट ना जो लड़की का है पहले वो वाला सिलूंगी, बाकी बाद में सिल कर रख दूंगी। तरपाई वाली है वो लेकर चली जाएगी, वो अभी ना दवाई लेने गई है, जब आएगी तो लेकर चली जाएगी।
और गेंजा के सूट को कटिंग से पहले हमेशा प्रेस करनी चाहिए क्योंकि इसको बल पड़े होते हैं। मैं भी अभी प्रेस करके लाई हूँ सूट को, प्रेस करके अगर काटे तो इसकी कटिंग सही आती है, नहीं तो बल बल पड़ जाती है। हमेशा इसको काटने से पहले प्रेस कर ली। अब मैंने प्रेस करके रखा है, ये देखिए अब मैंने सारा प्रेस करके रख दिया है। अब इसको मैं काटूंगी। अभी निशान लगाकर इसको मैं काटने लगी हूँ। इसकी लंबाई तो फुल फुल रखनी है, जितनी थी उतनी रखनी है। 44 लंबाई है इसकी। और इसकी अभी तीरा लेंगे, ये देखिए मैं तीरा लूँगी यहाँ से। पानी भी आ गया है। तीरा लूँगी यहाँ से मोटे की काट लगाकर। छाती इसकी है 18.5 और साइड शेप है 15। हम साइड शेप लेते हैं, कई ऊपर से लेते हैं लेकिन मैं साइड शेप लेती हूँ। और इसकी कमर है 16 और हिप है इसकी 19.5। अब मैं इसको निशान लगाकर से 2-2 इंच का गैप रख दूंगी। अब मैं इसको यहाँ से गुलाई दूंगी और काट लूंगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल निशान लगा दिए हैं, ये देखिए मैंने निशान लगा दिए। अब मैं इसको काट लूंगी। आज मैं कटिंग कर ली है, कटिंग कर ली है और मैं अभी सूट सिल रही हूँ। बाद में दिखाऊंगी आपको कैसे सिला है। ये वाला सूट है, कटिंग हो गई है इसकी, अभी सूट सिल रही हूँ क्योंकि मेरा जाना है 3 बजे। तरपाई वाली ने आना है, उसने 2 तो तैयार कर दिए, ये वाला भी तैयार करके दूंगी, तभी 4 बजे तक वहाँ पर निशान लगाए फ़ोन पर वो देखी, 4 बजे तक फिर वो तैयार करके देगी। अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में। हमारे दरवाजे का ना जो पीछे वाला है वो वाला, ये देखिए ये वाला है ना, ओ स्टैंड होता है वो वाला, ये वो है क्लोजर, डोर क्लोजर है, वो ख़राब हो गया इधर वाला चुंबक वाला। अब ये ना आयुष के पापा देख रहे हैं दूसरे वाला खोल के कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ देखा खोल के। ये देखिए ये वाला ख़राब, वो खोलिया नहीं वाला, वो खोलने की लोड़ ही नहीं है, मैं देख हाँ इतना नहीं, ये ख़राब हो गया निकल जाता है जी। तैयार कर दिया है। अब इसका कच्चा भी डाल दिया है, कच्चा मतलब की तरपाई के लिए जो डालते है ना उसको कहते हैं कच्चा हमारे यहाँ, ये डाल दिया है। ये देखिए सिलाई लगा दी, अभी तरपाई को जाएगा फिर तैयार हो जाएगा। अब मैं दूसरा सूट सिलूंगी तो अब आपसे विदा लेती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय।